कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं डेटा प्रोसेसिंग के थर्ड पार्ट को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग के मेथड्स को। इससे पहले भी डेटा प्रोसेसिंग पर दो वीडियो आ चुकी हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के मेथड को। तो डेटा प्रोसेसिंग के सिस्टम और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डेटा प्रोसेसिंग के मेथड्स को यूज किया जाता है। आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, अपने डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जो आउटपुट मिलता है वो ग्राफिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आजकल ऑडियो वीडियो के फॉर्म में भी रिजल्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के मेथड को। डेटा प्रोसेसिंग के मेनली तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, सेकंड है हमारा मशीन डेटा प्रोसेसिंग, एंड लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो बिना किसी मशीन या टूल के परफॉर्म की जाती है। इसमें ह्यूमन पावर यूज होती है। इसमें सारी की सारी कैलकुलेशन या जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो सारे के सारे मैनुअली परफॉर्म होते हैं। उसी प्रकार से डेटा को जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना होता है तो वहां पर भी मैनुअली ही किया जाता है। ये मेथड बहुत ही स्लो होता है और इसके आउटपुट में एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। स्मॉल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, वहां पर भी आजकल मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग ही यूज की जाती है। स्मॉल बिजनेस मीन्स जैसे कोई पान वाला हो गया, वो डेटा प्रोसेसिंग यूज करेगा तो वो वहां पर जहां पर वो अपनी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करेगा तो वो मैनुअली ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये मेथड बहुत ज्यादा अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि इसमें एरर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ज्यादा समय लेते हैं किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, क्योंकि मैनुअली ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। यह मेथड वहां यूज किया जाता है जहां पर टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुंची हुई है, और या फिर ये टेक्नोलॉजी किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, जैसे कि पान की दुकान हो गई या फूल की दुकान हो गई या कोई किराना शॉप हो गई जहां पर मैनुअली ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि वो शॉप बहुत छोटी होती है, वो टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जब से टेक्नोलॉजी आ गई तब से ये मेथड्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि आजकल के जो रेट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे साइकिल की पंचर की दुकान हो गई, वहां पर कोई इस तरीके के टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेगा, वो सारे के सारे ऑपरेशन मैनुअली परफॉर्म करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। इसमें डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो डिवाइसेस और मशीनों द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसमें जो सिंपल जितनी भी डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जैसे कि हमारा कैलकुलेटर हो गया, टाइपराइटर हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गई, ये सब के सब एग्जांपल हमारे हो गए मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग के। ठीक है, ये मेथड मैनुअल मेथड के कंपैरिजन में काफी फास्ट होता है और काफी एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। कोई भी डिवाइस जो डेटा प्रोसेसिंग की में हेल्प करती है वो सारी की सारी हमारी इस मेथड के अंदर आ जाती हैं। इस मेथड का जो आउटपुट होता है वो लिमिटेड होता है, मींस जो इसका आउटपुट प्रेजेंट किया जाता है वो बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके नहीं किया जाता है। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसका आउटपुट प्रेजेंट किया जाता है। इसमें मैनुअल के कंपैरिजन में कम एरर होती है, परंतु डेटा की जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इस मेथड ये जो मेथड है सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल होते हैं। इसमें डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन किया है को इनपुट के फॉर्म में दिया जाता है और इंस्ट्रक्शंस के बेस पे प्रोसेसर इसमें अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है और मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। इस मेथड को डेटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहा जाता है। ये बाकी दोनों मेथड के कंपैरिजन में काफी फास्ट होता है, काफी एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, और इसमें मैन पावर जो होती है वो बहुत ही कम यूज होती है। मींस एक पर्सन यूज होगा आपके सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। इसमें ज्यादा मैन पावर का यूज नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया बैंक अकाउंट, किसी भी पर्सन का मेंटेन करना, वो सब के सब कंप्यूटर पे अकाउंट मैनेज किए जाते हैं। आजकल जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं जहां भी परफॉर्म किया जाता है यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है।
जैसे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है वो भी हमारा कंप्यूटर पे ही रखा जाता है। तो सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी ये टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स मैं आपको जरूर दूंगी। इसके अलावा मेरे ज्ञान की खिड़की से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।